तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यामा R15 वर्जन 4 और MT15 वर्जन 2 के बीच में क्विक कंपैरिजन। इन दोनों ही गाड़ियों में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और ये इंजन 18.1 bhp की पावर जनरेट करता है और 14.1 nm का टॉर्क। R15 वर्जन 4 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और ये बाइक 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। वहीं MT15 वर्जन 2 में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है और ये बाइक 47 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। R15 वर्जन 4 में 142 kg वजन देखने को मिल जाता है और इस बाइक की सीट हाइट होने वाली है 815 mm और इस बाइक की टॉप स्पीड 145 प्लस है। MT15 वर्जन 2 में आपको 139 kg वजन देखने को मिल जाता है और इस बाइक की सीट हाइट 810 mm है और इस बाइक की टॉप स्पीड 140 प्लस है। यामा R15 वर्जन 4 में स्प्लिट सीट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। MT15 वर्जन 2 में आपको सिंगल सीट ऑप्शन ही देखने को मिलता है। R15 वर्जन 4 में आपको ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड देखने को मिल जाते हैं। MT15 B2 में आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देखने को मिल जाता है जबकि R15 वर्जन 4 में आपको 40 से 50 किलोमीटर चलाने के बाद कमर में दर्द महसूस होने लगता है। वहीं R15 सिटी राइड के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल बाइक नहीं है जबकि MT15 सिटी राइड के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आपको मस्कुलर स्पोर्टी डिजाइन वाली बाइक चाहिए तो आप R15 वर्जन 4 की तरफ जा सकते हैं जो कि 1,80,000 के एक्सोरूम प्राइस में मिल जाती है। वहीं आपको कम्पैक्ट मॉन्स्टर बाइक चाहिए तो आप यहाँ में MT15 की तरफ जा सकते हैं जो कि 1,65,000 के एक्सोरूम प्राइस में मिल जाती है। अगर आपको और ऐसी ही मजेदार वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।